फरीदाबाद पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने की दंगा नियंत्रण की प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस फरीदाबाद की पुलिस लाइन में की गई, जहां विभाग से जुड़े आला अधिकारी मौजूद रहे, दंगा नियंत्रण का पूर्वाभ्यास करती नजर आ रही। यहां फरीदाबाद पुलिस और दिल्ली की 194 बटालियन कैंप से आई आरएएफ की टीम है। इस टीम ने लगभग 4 घंटे तक मिलकर ये प्रैक्टिस अभ्यास किया। इस दौरान ये सभी जवान दंगा नियंत्रण से जुड़े सभी उपकरणों से लैस थे। दरअसल आरएएफ दंगा नियंत्रण के लिए सबसे विश्वसनीय फोर्स मानी जाती है, जो बिना समय गवाए कम से कम वक्त में संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर स्थल पर पहुंच जाती और सामान्य जनता के बीच पहुंचे उन्हें सुरक्षित करती है और उनमें विश्वास पैदा करती है कि उनकी सुरक्षा के लिए कोई है। डीसीपी अंशु सिंघला के मुताबिक रैप की टीम आरएएफ की टीम पिछले एक सप्ताह फरीदाबाद के विभिन्न इलाकों में स्थानीय पुलिस के साथ पैदल मार्च कर यहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी ले रही थी। उनके मुताबिक आज के इस अभ्यास से पुलिस को कानून व्यवस्था के लिए संकट पैदा होने या दंगे जैसे हालात से निपटने में मदद मिलेगी। जो रैपिड एक्शन फोर्स है और जो ये कंपनी है 194 बटालियन, ये कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ जाती है तो ये लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ काफ़ी अच्छा सहयोग करते हैं इन द मेंटेनेंस ऑफ पीस। तो ये एक इनका मोटिव ये था, ये आएंगे और एरिया फेमिलराइजेशन, ज्योग्राफिकली इन्हें एरिया पता हो, कहीं पे अगर सेंसिटिव एरिया तो वहाँ जाके जो ग्रुप्स हैं उनसे बातचीत की, लोगों को समझाया, बातचीत की, तो इससे इनका डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हुआ और ग्राउंड पे भी इनको ऐसे ही लग रहा है कि ये हमारा नोन एरिया है। मकसद जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लॉ एंड ऑर्डर जब कभी आ जाता है, जैसे कानून व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें फ़ोर्स मंगवानी पड़ती है बाहर से। तो जो बाहर से फ़ोर्स आती है वो उस डिस्ट्रिक्ट से उसको नॉलेज नहीं होती इतना, तो अब ये पीस टाइम में हमने लोगों से मिलवर्तन कर दिया। उससे फ़ायदा क्या है कि अगर आप किसी को जानते हैं तो उसको मिनिमल यूज़ ऑफ फोर्स, कई बार फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पर्सुएशन से ही काम हो जाएगा, तो वो अच्छा है जनता के लिए भी और हमारे लिए भी। तो ये इसमें इन्होंने सारी जो अपनी इनकी ड्रिल्स होती हैं, भले वो डी लाइन फॉर्मेशन है, एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन है, और फोर्स यूज़ करने की भी प्रक्रिया होती है। पहले लोगों को बताया जाता है फोर्स यूज़ करेंगे, फिर ग्रेडेड मैनर में आप अपलिफ्ट करते हैं, एकदम डायरेक्ट से बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं यूज़ कर देते। तो उसके लिए हमारे आप देख सकते हैं पीछे पुलिस को भी सेंसिटाइज किया गया, इन लोगों की भी ड्रिल प्रैक्टिस होगी और बड़ा अच्छा हमारा कोऑर्डिनेशन और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, अब सिचुएशंस एवर डेवलपिंग है। आप फरीदाबाद पुलिस का मुझे बहुत गर्व है कि खोरी जैसा एक बड़ा नॉर्थ इंडिया का डेमोलिशन था, उसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ही हैंडल किया है सारा, और विदाउट प्रैक्टिकली फोर्स का यूज़ हुआ ही नहीं है उसमें। तो पुलिस बिल्कुल सक्षम है, पर हाँ जी, ये भी हमारे भाई हैं, हमने खाकी पहन रखी है, नीली वर्दी में है, इतना ही फ़र्क है।